एपरेंट मूवमेंट के बेसिस पर फॉल्ट्स के दो टाइप होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट ऐसे फॉल्ट जिनमें हैंगिंग वॉल फुट वॉल के रिलेशन में अपवर्ड मूव करती है, नॉर्मल फॉल्ट कहलाते हैं। ये टेंशनल फोर्स के कारण क्रिएट होते हैं और अर्थ क्रस्ट की लेंथनिंग इंडिकेट करते हैं। रिवर्स फॉल्ट इन फॉल्ट्स में हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड मूव करती है, ये कंप्रेशनल फोर्स के कारण क्रिएट होते हैं और अर्थ क्रस्ट की शॉर्टनिंग इंडिकेट करते हैं। फॉल्ट के स्ट्राइक और स्ट्रेटा के एटीट्यूड के बेसिस पर फॉल्ट्स को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, डिप फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट, ऑब्लिक फॉल्ट, ट्रांसवर्स फॉल्ट और बेडिंग फॉल्ट। डिप फॉल्ट ऐसे फॉल्ट्स जो बेड्स की डिप डायरेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल रन करते हैं, डिप फॉल्ट कहलाते हैं। स्ट्राइक फॉल्ट वो फॉल्ट जो स्ट्रेटा के स्ट्राइक के अलॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल रन करते हैं, स्ट्राइक फॉल्ट कहलाते हैं। ऑब्लिक फॉल्ट्स ऐसे फॉल्ट्स जो डिप और स्ट्राइक दोनों के ऑब्लिक रन करते हैं, ऑब्लिक फॉल्ट कहलाते हैं। ट्रांसवर्स फॉल्ट वो फॉल्ट्स जो रीजनल स्ट्रक्चर की डिप के डायगोनल स्ट्राइक करते हैं, ट्रांसवर्स फॉल्ट कहलाते हैं। बेडिंग फॉल्ट ये वो फॉल्ट है जो डिफरेंट या सेम लिथोलॉजी की बेड्स के कॉन्टेक्ट के अलॉन्ग फॉर्म होते हैं। डिप डिग्री के बेसिस पर फॉल्ट्स को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है, हाई एंगल फॉल्ट, लो एंगल फॉल्ट। हाई एंगल फॉल्ट ऐसे फॉल्ट की डिप 45 डिग्री से ज़्यादा होती है, नॉर्मल फॉल्ट्स कॉमनली हाई एंगल फॉल्ट्स हैं। लो एंगल फॉल्ट इन फॉल्ट्स की डिप 45 डिग्री से कम होती है, थ्रस्ट फॉल्ट, लो एंगल फॉल्ट्स हैं। स्लिप डायरेक्शन और फॉल्ट प्लेन के एटीट्यूड के रिलेशन के बेसिस पर फॉल्ट्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, डिप स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। डिप स्लिप फॉल्ट ऐसे फॉल्ट जिनमें मूवमेंट डिप के अलॉन्ग एसेंशियली डाउनवर्ड होता है, डिप स्लिप फॉल्ट कहलाते हैं। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स में स्ट्राइक के अलॉन्ग एसेंशियली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट वे फॉल्ट जिनमें मूवमेंट की डायरेक्शन डिप और स्ट्राइक दोनों के डायगोनल होती है, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट कहलाते हैं।